नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। भारत पाकिस्तान की दुश्मनी जग जाहिर है, लेकिन कभी कभार ऐसे मौके आते हैं जब पाकिस्तान की तरफ से शानदार रिएक्शन आते हैं। हमेशा भारत ही पहल करता है, लेकिन पाकिस्तान बाद में रिएक्ट करता है। सारे जख्मों और दर्द के बावजूद भारत अपनी सादगी और वसुधैव कुटुंबकम को निभाते हुए पड़ोसी के सुख दुख में शामिल होता है, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरता ही नहीं। अब एक बार फिर भारत ने बड़प्पन दिखाते हुए शानदार दोस्ती का मुजाहरा पेश किया और भारत के रिएक्शन से पाकिस्तान ने शर्मिंदा होते हुए शुक्रिया बोला। जी हाँ, आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान में भीषण बाढ़ से तबाही मची हुई। लाखों लोग बाढ़ के कारण अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पनाह लिए हुए। पाक मीडिया की माने तो पाकिस्तान का लगभग एक तिहाई हिस्सा बाढ़ की चपेट में। इस बीच पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद और संवेदनाओं का दौर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका निभाते हुए पाकिस्तान में आई बाढ़ पर दुख जताया और पीड़ितों, घायलों और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी का आभार जताया। पहले हम पीएम मोदी ने पाकिस्तान की इस तकलीफ पर क्या कहा, ये आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को देखकर दुख हुआ। हम पीड़ितों, घायलों और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और सामान्य स्थिति की जल्द बहाली की उम्मीद करते हैं। इसी बात का जवाब देते हुए पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाढ़ के कारण हुए मानवीय और भौतिक नुकसान पर शोक व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इंशाल्लाह अपने विशिष्ट गुणों के साथ पाकिस्तान के लोग इस प्राकृतिक आपदा के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करेंगे और अपने जीवन और समुदायों का पुनर्निर्माण करेंगे। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मानसूनी बारिश ने पूरे पाकिस्तान में भीषण तबाही मचाई, जिससे अब तक करीब 2000 लोगों की मौत हुई और खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। वहीं जो इस प्राकृतिक प्रकोप से बच गए हैं वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि स्थिति गंभीर। सिंध, बलूचिस्तान, दक्षिणी पंजाब और खैबर पख्तूनवा के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों के दस्त, हैजा, आंत या पेट में जलन, टाइफॉइड और वेक्टर जनित बीमारियां जैसे डेंगू और मलेरिया की चपेट में आने का खतरा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आज पाकिस्तान की हालत खराब है। ऐसे में पीएम मोदी ने एक पड़ोसी धर्म निभाया। ऐसे में इस कदम को भी कुछ कट्टर विरोधी पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं। आलोचना करने वालों का कहना है कि जिसने हमें जख्म दिया उसके साथ खड़े रहना ठीक नहीं। वहीं पाकिस्तान में भी काफी लोग शहबाज शरीफ की आलोचना कर रहे हैं कि आप भारत से मदद ना लें। देखना होगा कि आगे क्या होता है, शहबाज शरीफ मदद लेते हैं या नहीं, लेकिन राजनीति इसी को कहते हैं, आप समझ गए होंगे।